हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने बिहार डीएलएड के लिए अप्लाई किया था, डीएलईडी के लिए अप्लाई किया था, इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आज के तमाम अखबारों में नोटिफिकेशन देके, एडवर्टाइजमेंट दे करके इस बात को बताया गया है, एग्ज़ाम कब होगा, उसमें निगेटिव मार्क्स होगा कि नहीं, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, वेबसाइट कौन सी है जहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने अप्लाई किया था अभी से 2 महीना पहले, तो आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। सबसे ऊपर लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आप अपने वीडियो क्वालिटी को ठीक करके 360 तक ले जाएंगे जब, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखेगा। एग्ज़ाम होगा 28/3/2020 को, मतलब आज से 15 दिन बाद, और टाइम होगा 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा उसके नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का प्रवेश पत्र दिनांक 13/3/2020 से समिति के वेबसाइट biharboardvivid.com, याद रखिएगा biharboardvivid.com पर अपलोड रहेगा। इससे पहले इन लोगों ने डमी एडमिट कार्ड जारी किया था, पर वो नहीं, अभी जो एडमिट कार्ड आएगा ये फाइनल एडमिट कार्ड रहेगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, मतलब आज से। उसके बाद डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश क्या है, निर्देश को देखिए क्या क्या है। इंस्ट्रक्शन, परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्वाहन 10 बजे से आधा घंटा पूर्व यानी कि 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं, उसके बाद एंट्री नहीं होगा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, परीक्षार्थी परीक्षा में भवन में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सबको पता है, ये सब लेके नहीं जाना रहता है। तीसरा पॉइंट है, परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी घड़ी, जूता, मोजा पहनकर आना वर्जित है, जूता पहन के नहीं जाइए, बिहार बोर्ड सभी एग्जाम में रूल लगा रहा है। परीक्षा हॉल में आपस में बातचीत अथवा अनुचित कार्य में किसी भी प्रकार के कदाचार या गलत इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। 33% निगेटिव मार्क्स, ये बहुत टफ है, अगर आता है तभी जवाब दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। परीक्षार्थी द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक पर वाइटनर और नाखून का प्रयोग वर्जित है, यदि इसका प्रयोग किसी भी स्थान पर किया जाएगा तो परीक्षार्थी का परीक्षा बल निरस्त कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र के सभी वस्तुनिष्ठ हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा सब, ऑप्शन वाला। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें से केवल एक ही सही है। आपका कार्य सही उत्तर का चुनाव OMR उत्तर पत्रक पर उसी प्रश्न के सामने दिए गए विकल्पों में सही विकल्प गोलक को नीले या काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से रंगने का है, पेंसिल से नहीं, इस बात को याद कीजिए, पेंसिल से नहीं करना है। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र को परीक्षा से 1 दिन पूर्व जाकर देख लें, ताकि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा केंद्र ढूंढने में कठिनाई ना हो। OMR उत्तर पत्रक के पिछले भाग पर हिंदी अंग्रेजी में दिए गए वाक्यों को सामने बॉक्स में परीक्षार्थी को स्वतः लिपि में लिखना अनिवार्य है। OMR उत्तर पत्रक को ना फाड़ें, ना ही उसे उस पर जहां तहां कोई भी चिन्ह लगाएं, ऐसा करने पर आपका परीक्षा फल प्रभावित होगा। परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व OMR उत्तर पत्रक वीक्षक को सौंप दें। तो आज से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, 28 को एग्ज़ाम हो जाएगा, 10 से 12:30 तक एग्ज़ाम होगा, 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद होगा, जूता पहन के नहीं जाना है, 33% निगेटिव मार्क है, सही के लिए 3 नंबर, गलत के लिए 1 नंबर कटेगा। ये सब मेन पॉइंट था, जिनका डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम है उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब इसका रिजल्ट आएगा या कोई भी अपडेट हुआ हम आपको इसी चैनल पर अपडेट कर देंगे। थैंक यू।